वेलकम अमर सर चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैथमेटिक्स में मैं आपको लगातार प्रिपरेशन करा रहा हूं, डिफरेंट एग्जाम्स जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरी कोशिश रही है कि सारे ब्रांचेज में मैं आपको कैसे मदद करूं। तो आज से डेली करंट अफेयर्स शुरू हो रहा है। करंट अफेयर्स लेकर के आ रहे हैं प्रदीप प्रधान, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो लगातार इस फील्ड में काम करते आ रहे हैं प्रदीप प्रधान जी। करंट अफेयर्स की विशेषता ये होगी कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। करंट अफेयर्स बड़ा भंडार है, समस्या ये है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। हमारी कोशिश है कि कोई क्वेश्चन छूटने भी ना पाए और अनावश्यक बेकार के क्वेश्चन बनाने भी ना पड़े। इसके अलावा कोई घटना जब घटित होती है तो उसके आसपास चीजें होती हैं, उन चीजों का एक्सप्लेनेशन लेकर के भी प्रदीप जी आए हैं। तो आइए प्रदीप जी शुरुआत करेंगे करंट अफेयर्स की, डेली करंट अफेयर्स जो रोज ही आपको मिला करेगा। आइए। वेलकम फ्रेंड, आज है 27 दिसंबर 2018 और 27 दिसंबर 2018 को जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं उसका लिंक भी बताऊंगा और कैसे प्रोसीड करना है वो ही बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? रिसेंटली गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे? हियर द आंसर इज 25th of December। जैसे हम सभी को पता है 25 दिसंबर को हमारे पहले के प्राइम मिनिस्टर दैट इज फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे है। जैसे ही हम लोग के दिमाग में अटल जी का नाम आता है तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, जैसे कि साबरमती घाट गुजरात में उसका नाम चेंज होके अटल घाट हो गया है, नया रायपुर का नाम चेंज होके अटल नगर हो गया है, एकना क्रिकेट स्टेडियम इन लखनऊ जो यूपी में है उसका नाम चेंज होके अटल बिहारी एकना क्रिकेट स्टेडियम के नाम पे हो गया है। और एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि अटल जी को भारत रत्न कब मिला था? तो उनको भारत रत्न 2014 में मिला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में महाराष्ट्र केसरी का खिताब किसने जीता है? Recently, who has won the Maharashtra Kesari title? So the answer is Bala Rafiq Sheikh जीते हैं, तो किन किन्हीं को हरा के ही वो जीते होंगे। तो जिनको डिफीट किए हैं उनका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, अभिजीत काटके। और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था आजाद ग्राउंड जलना में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 2018 को छठे युवा नाट्य समारोह के छठे संस्करण का उद्घाटन कहां किया गया था? और इसका उत्तर है न्यू दिल्ली। ये एक्चुअली में होता क्या है, ये युवा नाट्य समारोह होता क्या है? ये यंग डायरेक्टर्स का, फाइव यंग डायरेक्टर्स का समारोह होता है जिसमें मॉडर्न हो गया, मिथोलॉजिकल, पारसी स्टाइल ड्रामा होता है। Coming up to the next, who was conferred with the Scotch Golden Award 2018 on 22nd of December 2018? 22 दिसंबर 2018 को किसे स्कॉच गोल्डन जुबली अवार्ड 2018 सम्मानित किया गया था? तो उत्तर है इसका सुरेश प्रभु। सुरेश प्रभु जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हम लोग के हैं, जब यहाँ पे आता है स्कॉच गोल्डन जुबली अवार्ड तो और भी अवार्ड इसका हुए होंगे, तो स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर किसको मिला है? स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर मिला है वेस्ट बंगाल का सीएम को, जो है ममता बनर्जी जी। और स्कॉच स्प्रिंटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? वो मिला है एन चंद्रशेखर, चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के सीएम है उनको मिला है। कमिंग अप टू द नेक्स्ट, 21 दिसंबर 2018 को लिंक्डइन द्वारा भारत के लिए राष्ट्र प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? सो द आंसर इज महेश नारायण।
जो पहले सावन जो है उसमें प्रीवियसली सर्व्ड एज द इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर लीडिंग म्यूजिक एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विस सावन. कमिंग अप टू द नेक्स्ट, हाल ही में दीपाली बोर ठाकुर का 21 दिसंबर 2018 को निधन हो गया था, वह एक क्या थी? ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही होगा कि वो सिंगर थी जिनको नाइटिंगेल ऑफ असम के नाम से हम लोग जानते थे. यहाँ असम का नाम आता है तो कभी भी ऐसे स्टेट का नाम आता है उसके बारे में डिटेल में अगर हम लोग जान लेंगे तो हम लोग को पढ़ने में सुविधा होगी. जैसे असम का कैपिटल दिसपुर हो गया, सीएम हो गए सर्बानंदा सोनोवाल जी, गवर्नर हो गए जगदीश मुखी. कमिंग अप टू द नेक्स्ट, ऑन हुज बर्थडे एनिवर्सरी इज द नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व एवरी ईयर इन इंडिया ऑन 22 दिसंबर 2018? द आंसर इज श्रीनिवास रामानुजन. श्रीनिवास रामानुजन के ऊपर एक मूवी भी बनी थी, आप सभी को पता होगा, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, जिसमें देव पाटिल जी ने किरदार निभाए थे. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हू इज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड स्टेट? संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का नया राजदूत कौन है? तो द आंसर इज हर्षवर्धन श्रृंगला. हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने न्यू जो है हम एम्बेसडर हैं यूनाइटेड स्टेट के इंडिया से. तो इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे नवतेज सरना. ये नाम याद रखिएगा, नवतेज सरना जी थे इनसे पहले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच स्टेट द 3-डे एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस दैट इज डीजीपी एंड आईजीपी इंस्पेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस वाज ऑर्गेनाइज्ड? द आंसर इज गुजरात. गुजरात का नाम जैसे यहाँ आता है तो मैंने पहले भी बताया था कि कभी भी स्टेट का नाम आ रहा है तो उसका कैपिटल सीएम गवर्नर के नाम साथ में आप बोलिए तब जाके आप लर्न कर सकेंगे. जैसे कैपिटल हो गया गांधीनगर, सीएम हो गए विजय रूपानी जी, गवर्नर हो गए ओम प्रकाश कोहली जी. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच WEF दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का 2019वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? द आंसर इज डेवोस. डेवोस एक टाउन है स्विट्जरलैंड में और स्विट्जरलैंड का कैपिटल हो गया बर्न. ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हु हैज बीन इन द टॉप ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड फीफा रैंकिंग? सो द आंसर इज बेल्जियम. अगर बेल्जियम फर्स्ट रैंकिंग पे रहा है तो सेकंड रैंकिंग और थर्ड रैंकिंग पे कौन रहा है? सेकंड रैंकिंग पे रहा है फ्रांस एंड थर्ड रैंकिंग पे ब्राजील रहा है. फर्स्ट बेल्जियम, सेकंड फ्रांस, थर्ड बेल्जियम. तो बेल्जियम का कैपिटल हो गया ब्रुसेल्स एंड इसका करेंसी हो गया यूरो. फ्रांस का कैपिटल हो गया पेरिस जिसका करेंसी यूरो हो गया. एंड ब्राजील थर्ड दैट इज ब्राजीलिया एंड करेंसी इज ब्राजीलियन रियल. ओके, रिसेंटली हु हैज ओन द CCI वेस्टर्न इंडिया स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल? हाल ही में CCI वेस्टर्न इंडिया स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी दैट इज महेश मांगोनकर एंड यश फड़ते. ओके, महेश मांगोनकर जी जो है महाराष्ट्र के हैं एंड यश फड़ते जी जो है गोवा के हैं. एंड गोवा का नाम जैसे आता है आप सभी को पता होगा हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया 19 दिसंबर को. ओके, जैसे भी कोई चीज का नाम आता है तो उसको रिलेट करना सीखिए. ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसेंटली ओन द ड्राइवर ऑफ द ईयर टाइटल? ड्राइवर्स ड्राइवर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? सो द आंसर इज लेविस हैमिल्टन. एंड जैसे ये फर्स्ट हुए तो सेकंड और थर्ड में कौन हुए? सेकंड हो गए मैक्स वर्स्टैपेन एंड थर्ड इज फर्नांडो अलोंसो. ओके, एंड लेविस हैमिल्टन इज द थर्ड मैन इन द हिस्ट्री टू सिक्योर ए फिफ्थ वर्ल्ड टाइटल. रिमेंबर दिस.
Our next question is, हाल ही में भारत के सबसे लंबे रेल सह सड़क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? Recently, in which state was India's longest rail cum road bridge inaugurated? The answer is Assam. Assam में इसका हुआ है inauguration, and river जो है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना गया है. और ये किसको किसको जोड़ेगी? ये जोड़ेगी नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ असम एंड धेमजी डिस्ट्रिक्ट एंड दिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट. ओके, जैसे ही मैंने बताया कि कोई भी स्टेट का नाम है तो उसका सीएम और गवर्नर, तो आप बताइएगा कि कैसे लगा आपको. असम का कैपिटल दिसपुर हो गया, सीएम सुवर्णनंदा सोनोवाल जी हो गए, गवर्नर हो गया जगदीश मुखी. ओके, आवर लास्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में बौद्ध स्थल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? Where is the Buddhist site museum recently inaugurated? The answer is Odisha. Odisha में कहाँ पे? Odisha में ललितगिरी पे. और उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक. गवर्नर कौन है? गणेशी लाल. और हाल ही में व्हीलर आइलैंड इन उड़ीसा का नाम बदल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड हो गया है. ओके, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन. आप इनसे अच्छे से अवगत हो जाइए. ओके, मैं डेली आपके सामने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेके आऊंगा. एंड मेरा नाम प्रदीप प्रधान है. आपको कोई भी डाउट होगा आपका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा. ओके, थैंक यू.